अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांची न्यूज़ और मैं हूं जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। रेलवे खसारा केस साद रफीक सुप्रीम कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट की साबिक वजीर रेलवे को जवाब जमा कराने के लिए एक माह की मोहलत। चीफ जस्टिस का प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज का नोटिस। 12 मालिकान की तलबी। पानी की डकैती नहीं चलेगी, देखना होगा कि मिनरल वाटर में मिनरल्स हैं भी या नहीं। पानी बेचने वाली कंपनियां और हुकूमत मिलकर पानी निकालने का रेट तय करें। चीफ जस्टिस ने तमाम बड़ी कंपनीज के सीईओज को कल तलब कर लिया। डैम्स की तामीर रोकने की कोशिश करने वाले के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। रिटायरमेंट के बाद किसी ओहदे की पेशकश करके शर्मिंदा ना हो, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कटासरा चश्मे का सारा पानी निचोड़ लिया गया, सीमेंट फैक्ट्री के मालिक की सरजनिश। वजीर खारिजा का एक रोजा दौरा काबुल। शाह महमूद कुरैशी की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर भी मुजाकरात। खित्ते से दहशतगर्दी के खात्मे, बॉर्डर मैनेजमेंट और पाकिस्तानी काउंसलेट की बंदिश पर तबादला ख्याल। मकबूजा वादी में इंसानियत की पामाली की तमाम हदें पार कर दी गई। भारतीय फौजियों के हाथों कश्मीरी नौजवान की लाश की बेहुर्मती की फुटेज वायरल हो गई। बैरल अक्वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाने पर आलमी इदारे खामोश। कुलगाम में 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसुम नवाज की रस्म कुल कल अदा होगी। जाति उमरा में ताजियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर पीर तक पेरोल रिहाई पर हैं। जरदारी और बिलावल भुट्टो कल ताजियत के लिए जाति उमरा जाएंगे। कराची में तब्दीली के दावे हवा हो गए। सदरे पाकिस्तान के काफले में रात 27 और सुबह 14 गाड़ियां। आरिफ अलवी का सादगी से फजाई सफर। एयरपोर्ट के बाहर और मजारे कायद पर शाहाना अंदाज। सदरे पाकिस्तान का कहना है कि मना करने के बावजूद प्रोटोकॉल दिया। सदरे पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की मजारे कायद पर हाजिरी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी सदर मुमलिकत के हमराह थे। आरिफ अलवी की बानिए पाकिस्तान की कब्र पर फातिहा खानी। मेहमानों की किताब पे तासुरात भी कलम बंद किए। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पेशावर में वकला के बार रूम में फायरिंग। गोलियों की जद में आकर वकील समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। 16 साल नौजवान ने दुश्मनी पर फायरिंग की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। समुद्री तूफान फ्लोरेंस से अमरीकी रियासत कैरोलिना में तबाही। तेज हवाएं और तूफानी बारिशें, दरख्त उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक। फिलिपाइन के जजायर में भी समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। मॉडल गर्ल फिर अदालत न आई, वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की कस्टम कोर्ट में करेंसी स्मगलिंग केस की समाअत। अयान अली 6 अक्टूबर को पेश न हुई तो सख्त कार्रवाई होगी, अदालत के रिमार्क्स। और एशिया में क्रिकेट की हुक्मरानी की जंग आज छिड़ेगी। बांग्लादेश और श्रीलंका एशिया कप के पहले मुकाबले में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान पहला मैच कल हांगकांग के खिलाफ खेलेगा। बुध को हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा होगा। मजीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.saanchinews.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।